तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम तंग आ चुके। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का भी नाम शामिल है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उसमें आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज बचपन, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। लाए कहां से खुशी के गीत, कहां से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। यूं तो गुरुदत्त का जन्म बेंगलोर में हुआ, लेकिन उनका बचपन कोलकाता में बीता और वो भी बहुत बदहाली में। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी याद करती है, मैट्रिक होने के बाद उनको बहुत दिल था कॉलेज जाने को, मगर हम लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। वी वेर वेरी पुअर। माँ और पिताजी दे कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू कॉलेज, तो इसलिए उन्होंने एक नौकरी ली थी। वहाँ उनकी सिर्फ 30 रुपीज सैलरी थी एंड फर्स्ट सैलरी से इतना जनरस थे वो। उनके टीचर के लिए एक भगवत गीता दिया और हमारे पिताजी के लिए कुछ कोट लाया और माँ के लिए साड़ी, हमारे लिए फ्रॉक और आत्मा जी के लिए कुछ शर्ट, सब के लिए कुछ न कुछ खरीदा। तो उस वक्त की जनरोसिटी ही रिमेन्ड अंटिल द एंड। कितने सालों के बाद भी हमारे भाभी के लिए कुछ साड़ी या गहना, कुछ कान का गोल्ड का कुछ खरीदते थे तो जरूर हमारे लिए खरीदते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। और कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। गुरुदत्त को बचपन से गाने और डांस करने में बहुत रुचि थी। ऐसे तो गुरुदत्त की पढ़ाई कोलकाता में हुई। उन्होंने बंगाली सभ्यता को कुछ इस तरह अपनाया कि उसकी छाप उनकी सारी जीवन में दिखाई देती रही। गुरुदत्त के बचपन में जिन लोगों ने उनके जहन में गहरा असर डाला, उनमें से एक नाम गुरु के मामा पाल कृष्ण बेनेगल का भी था। यह मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल के चाचा थे। इस दिल को बसा दे तो हम नींद के पल को, इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को। गुरुदत्त को खेलने से ज्यादा पढ़ने में मजा आता था, खास तौर पे इंग्लिश और बंगला कहानियां। यह शौक उनको अपने पिता की तरफ से मिला था, जो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। 1944 में प्रभात स्टूडियो में सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। वहाँ देवानंद, जिनसे वह हम एक है फिल्म में काम करते समय मिले, और रहमान खान के साथ दोस्त बन गए। इन शुरुआती दोस्ती ने बॉलीवुड में उनकी राह आसान करने में कश्मकशे जिंदगी से हम तंग आ चुके हैं, कश्मकशे जिंदगी से हम। दत्त को अपना बराबर एक तब मिला जब देव आनंद ने उन्हें नव गठित कंपनी नव केतन फिल्म्स में एक फिल्म निर्देशित करने के लिए आमंत्रित किया। गुरुदत्त ने गेम्बल के साथ निर्देशन की शुरुआत किया। दत्त की अगली फिल्म जाल और बाज थी। दत्त ने अपनी अभिनय की शुरुआत बाद की फिल्म से की, जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया। उनकी फिल्म कागज की फूल और प्यासा
सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। प्यासा उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। गुरु दत्त कभी कभी अपने फिल्मों में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। गुरु दत्त के कई फिल्मों में काम कर चुकी बहदा रहमान याद करती है कि वो एक दिन शेव कर रहे थे और मूर्ति साहब के साथ शॉट का डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे, तो अचानक आवाज आई, उन्होंने इतनी जोर से अपना वो रेजर फेंका और कहा क्या करते हो यार, मूर्ति बर्बाद कर दिया मुझे। तो मूर्ति साहब एकदम परेशान, मैंने क्या किया, हम तो शॉट डिस्कस कर रहे थे। नहीं यार, तुमसे शॉट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूंछ उड़ा दी। तो सब हंस पड़े जोर जोर से, तो तुम लोग हंस रहे हो, आज रात की शूटिंग है, मैं क्या करूं। तो फिर मूर्ति साहब ने कहा गलती आपकी थी, मेरी तो थी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे। गुरु दत्त ने बहुत मन से आत्मकथात्मक फिल्म कागज के फूल बनाए, लेकिन वह बुरी तरह से फ्लॉप रही। उनकी निजी जिंदगी में भी करवाहट आ गई थी। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 40 साल के उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी मौत का एक ही आदमी पर इतना असर हुआ कि उन्होंने उस पर नज्म भी लिख डाली। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साखी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी, बिछड़े सभी।